ओके, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है महादेव के लिए। पानी देखिए कितना ठंडा है जो बह के जा रहा है यहाँ से। और ये हम आपको इन्हीं पत्थरों पे चल के आना होगा पानी से होते हुए। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं सब जाते हुए। क्या है ये? राम कंदमूल जो राम जी ने खाए बदमाश में। अच्छा, राम जी कहाँ ढूंढ रहे? राम जी यहाँ फल खा के चले गए, कंदमूल खा के। सही कह रहा हूँ? ठीक है, एक दे दीजिए। इसका कुछ औषधीय गुण है या ऐसे ही? वैसे तो ये चीज खाने से कुछ ऐसा होता नहीं है, ना नुकसान ना फायदा रहता है। अच्छा, तो फायदा होता है जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को मजबूत करता है, प्लस आयरन की कमी से निकलता है, ब्लड प्यूरीफाई होता है इसको खाने से। इससे आप काटते हैं जी? जड़ है ये, कंद है बेटा, कंद मतलब वही होता है। देख कितनी बारी खाना कंप्लीट नहीं हुआ, जंगलों में लोग ऐसे सरवाइव करते हैं। उन्होंने ऐसे कैसे खाए? तो वैसा वैसा कैसा है जो आप मूंगफली खिलाते हो? अच्छी बात तो बात चल रहा है। नहीं चलती। ये देखिए नीचे छोटी सी नदी जा रही है मेरा पेट ना रास्ते में, और हम चल रहे हैं अपने महादेव के लिए। अब हम महादेव पहुंच चुके हैं। ये देखिए बजरंगबली। यहाँ पे अंदर गुफा में जाना होता है, एक बार में सिर्फ 8 आदमियों के ही अंदर जाने की परमिशन है। अंदर जाने के बाद शायद वीडियो नहीं बन पाए क्योंकि अंदर जाकर फोटो खींचना मना है, इसलिए बस यहीं तक दर्शन कर सकते हैं। वीडियो में अंदर दर्शन के लिए खुद से आना होगा। अभी अंदर जाने के लिए हमें सूज उतारने पड़ेंगे, हम सभी सूज उतारते हैं और अंदर जाएंगे। हम लाइन में लग चुके हैं महादेव के अंदर गुफा में जाने के लिए। एक सैनिक लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। ये देखिए अंदर की गुफा, अंदर गुफा है जिसके अंदर हमें जाना है। दे रहे हैं पंडित जी, अंदर अलाउड नहीं है फोटो खींचना। काफी लाइन लगी हुई है आगे। कोई बात पता नहीं, चल चल अरे चलो आप निकल जाओ।